हे एवरी वन दिस इज शानी दानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स और आज की वीडियो को बिगिन करने से पहले लाइक like आज के टॉपिक को बिगिन करने से पहले लेट जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो ऑन अ ग्रेट ब्यूटिवेशनल नोट विच इज अ ब्यूटिफुल मोटिवेशनल नोट जो कि है हम होंगे कामयाब तो हम जितने भी एजुकेटर्स हैं ऑफ मार्कनेट ब्रेन हम बात करें स्पेसिफिकली की या फिर किसी भी सब्जेक्ट की किसी भी क्लास की वी ऑल आर ट्राइंग लेवल बेस्ट कि हम आपको जो भी रिस्पेक्टिव टॉपिक्स हैं उस पर रिक्वायर वीडियोज प्रोवाइड करें ताकि आपकी प्रेपरेशन में कोई भी हिंड्रेंस ना आए एंड ऑल्सो आई एम श्योर दैट यू गाइज आर ऑल्सो गिविंग योर हंड्रेड परसेंट बाई वॉचिंग ऑल द वीडियोज एंड मेकिंग नोट्स एंड क्लियरिंग ऑल योर कॉन्सेप्ट और इस तरीके से जब हम सब अपना बेस्ट दे ही रहे हैं

बहुत बहुत ज़्यादा इजी है और इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन और बिगनर लेवल के 30 एम हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में बट अब बारी आती है क्वेश्चंस को थोड़ा सा लेवल अप करने की यानी सेंटेंसेस थोड़े बड़े हो जाएंगे और क्या यहाँ थोड़े अलग कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे आपके पास थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि कैसे कैसे करें इनको अरेंज बाकी इजी तो बहुत ही है ये टॉपिक तो क्या इंटरमीडिएट क्या अचीवर्स राइट सो रोल बारी बस ये दिमाग में नहीं रखना है कि अरे बापरे अब क्या होगा क्वेश्चन क्या हाई हो जाएंगे क्या लेवल अप हो जाएंगे ऐसा कुछ नहीं है क्वेश्चन आपके लिए उसी फॉर्मैट के होने वाले हैं जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं बट यस yes, इनको अरेंज करने में शायद आप थोड़े से फंस जाए शायद आप अपना थोड़ा ज्यादा टाइम लगा दें और इसी तरीके से आप अपना टाइम शायद वेस्ट कर दें बट अभी क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं जितना टाइम लेना है लो अभी टाइम वेस्ट नहीं होगा बल्कि इन्वेस्ट ही कर रहे हो क्योंकि आपको समझ आएगा कि मुझे क्या गलतियां अपने मेन एग्जाम में नहीं करनी है सो so इस तरीके से आज की वीडियो में भी थर्टी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होंगे होंगे इंटरमीडिएट लेवल के करना वही है अरेंज करना है इन जम्बल वर्ड्स को एक प्रॉपर मीनिंगफुल सेंटेंस में जो हम प्रीवियस वीडियो से देखते हुए आ रहे हैं तो डायरेक्टली फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे ऑल्सो क्वेश्चन नहीं पढ़ना है मैं पिछले वीडियो से बोलती आ रही हूं अभी भी कोशिश करेंगे कि उसी को फॉलो करें क्लियर ओके okay. तो पहला जो क्वेश्चन है यू गेट द ऑप्शंस एज इट वाज गेटिंग लेट एंड वी वरंट देयर येट यानी बहुत ज्यादा लेट हो रहा था इट वाज गेटिंग लेट ठीक है एंड और वी हम लोग वर नॉट अब यहां तो चलो नॉट को छोड़ो क्या वी के साथ वर आता है बिल्कुल वी क्या है सब्जेक्ट वर क्या है वर्ब

ओके okay, ठीक है एक और बार पढ़ लो इट वॉज गेरिंग लेट एंड वी वार इन देर येट सब कुछ बढ़िया है कुछ भी एरर नहीं है तो इसको रखते हैं दूसरा अब बताए दूसरे में आप क्या करो आप बस ये देख लो कि V वारंट कहीं ब्रेक करके दिया है क्या नहीं अरे यार अगर ये चीज होती ना कि आपको V वारंट ना देकर कहीं यू you नो know, वर नॉट को कहीं और रख देते तो भी शायद एक दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते जहां वी के साथ वर नॉट यूज नहीं हो रहा था यानी ये किसी सिंगुलर के साथ तो यूज नहीं कर लिया ये सारी चीजें ध्यान में होती बट ये ट्रिक नहीं काम करेगी तो चलो फटाफट सारे ऑप्शन पढ़ने ही पड़ेंगे एंड वी वर नॉट इट वॉज गेटिंग लेट देर येट जस्ट अ सेकेंड सारे पार्ट बहुत जहां हो गए एंड वी वारंट और हम लोग नहीं बहुत लेट हो रहा था इट वॉज गेटिंग लेट वहां पर अभी तक अभी सारी चीजों को आप क्या एक ऑर्डर में बोल रहे हो नहीं तो ये क्या है गड़बड़ है थर्ड इट वॉज गेटिंग एंड वी वार्ट लेट देर गेटिंग उसको मिल रहा था इट वॉज गेटिंग एंड वी वार्ट लेट और हम लेट नहीं हो रहे थे देर येट और वहां पर अभी तक लाइक like, क्या है इट वॉज गेटिंग वॉट वी आर नॉट गेटिंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन तो ये इनकंप्लीट है एलिमिनेट करो नेक्स्ट We वहां पर अभी तक इट वॉज गेटिंग एलिमिनेटेड यानी एक ही आंसर है जो हमें पहले पता चल गया था इट वॉज गेटिंग लेट एंड वी वारंट देर ये टैली करना है कर लो इट वॉज गेटिंग लेट एंड वी वारंट देर ये राइट ओके right? okay. तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन सोल्व है तो आपको वही चीज है यहाँ पर कि आपको बस ऑप्शन पढ़ते जाना है और एर स्पॉट करने हैं। दैट्स इट डन ओके सेकेंड है एंड द किड्स द पेरेंट्स सैंग डांस और जो बच्चे हैं माता पिता हैं, गा रहे थे है ना सैंग गाना गाया था और डांस डांस किया था लाइक like, किसने गाना गाया था किसने डांस किया था किड्स एंड पेरेंट्स बहुत कंफ्यूजिंग है तो एलिमिनेट कर दो सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं द पेरेंट्स सैंग एंड द किड्स डांस ओके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने गाना गाया था एंड और द किड्स जो बच्चे हैं वो डांस कर रहे थे परफेक्ट पेरेंट्स गा रहे थे बच्चे डांस कर रहे थे पूरा मीनिंग मिल रहा है एंड से बहुत अच्छे से इनको कनेक्ट भी किया है कोई भी वर्क का कोई इशू नहीं है बिल्कुल सही है The parents danced, sang and the kids. And the kids what? We are not getting any answer. to तो ye incomplete hai dusri baat the parents danced and sang, shayad ho jata hai na The parents sang and danced, तो भी सही हो जाता। कि भाई ये दो अलग-अलग activities हैं ना, तो इसको करो ना and से connect। अभी इधर and kids क्या? इधर पे अपने अकेला छोड़ दिया उसको, तो ये भी eliminate हो जाएगा। D की बात करते हैं। Sang and the kids danced the parents. sang गाना गाया था और जो बच्चे थे and the kids dance बच्चों ने dance किया था the parents what the parents the parents did what we don't know तो यहाँ पे भी ये incomplete है तो इस तरीके से option B ही है जो perfect है tally कर लेते हैं the parents sang and the kids dance perfect सब कुछ बिल्कुल सही है तो option number B आपका सही answer हो जाएगा easy all right third question पे move करते हैं so they went they were tired home and bored इसीलिए वो चले गए थे वो लोग थक गए थे घर और बोर हो गए थे और आगे क्या तो बहुत है शायद ही बोलना चाह रहे हैं वो थक गए थे बोर हो गए थे इसीलिए वो घर चले गए सो दे किधर गए नहीं पता था अपने यहां शायद वही बोलना चाह रहे हैं तो ऑप्शन ए गड़बड़ है बी देवर टायर्ड वो थक गए थे सो दे वेंट इसीलिए वो चले गए एंड बोर हो रहे थे घर वो थक गए थे इसीलिए चले गए थे बोर हो रहे थे और घर घर क्या तो कुछ इनकम्प्लीट है शायद कुछ ऑब्वियसली ऑर्डर गलत है थर्ड की बात करते हैं दे वर टायर्ड एंड बोर्ड वो थक गए थे और बोर हो गए थे सो दे वेंट होम इसीलिए वो घर चले गए वो थक गए थे और बोर हो गए थे इसीलिए घर चले गए परफेक्ट सही है क्यों घर गए उसका रीजन मिल गया ये रीजन है और रीजन को सो so से कनेक्ट कैसे करते हैं वो तो हम प्रीवियस वीडियो से प्रैक्टिस करते आ ही रहे हैं सो दे वर टायर्ड एंड बोर्ड सो दे वेंट होम परफेक्ट डी होम देवर टायर्ड एंड बोर्ड सो देर टायर्ड घर वो टायर्ड हो गए थे वो थक गए थे वो बोर हो गए थे इसीलिए चले गए घर क्या आगे घर का क्या करने का ऑप्शन डी तो में घर दैट इज होम हैज चेंज द कंप्लीट मीनिंग इसीलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत है तो आंसर ऑप्शन सी है चाहिए तो टैली कर लेते हैं सही ही होगा वैसे सो देवर टायर्ड एंड बोर्ड सो देवेंट होम परफेक्ट डन ऑल राइट फोर्थ पे आते हैं Than stay I would go out rather at home. Than comparison hai stay रुक जाना, I would go out मैं बाहर चला जाऊँगा, rather at home घर पे रहने से अच्छा. Than stay में कुछ समझ नहीं आ रहा, I would go out मैं बाहर चला जाऊँगा, rather at home, rather at home what? इससे अच्छा कि मैं घर पे what? है ना? तो option A गलत है, B. At home घर पर, I would मैं भी, than इससे अच्छा लाइक कंपैरिजन इन कंपैरिजन टू स्टे रुक जाऊंगा रादर गो आउट बाहर जाने से अच्छा तो घर पर मैं घर पर मैं वॉट आगे ये इनकम्प्लीट है यहाँ दैन ने कुछ गड़बड़ कर दी है क्योंकि यहाँ पे इनकम्प्लीट होता जा रहा है आई वुड वॉट यू डोंट हैव है आंसर तो ऑप्शन बी भी गड़बड़ है थर्ड रादर गो आउट अच्छा होगा बाहर जाना दैन स्टे एट होम घर पे रहने से अच्छा आई वुड अरे यहाँ तक सब बढ़िया चल रहा था ये कहा को आ गया आई वुड आ तो आई वुड को हटा दो और सेंटेंस ही हटाना पड़ेगा है ना क्योंकि ऑप्शन तो चेंज कर नहीं सकते अपनी मर्जी से तो ऑप्शन नंबर सी में आई वुड ने सब गड़बड़ कर दी अब डी की बात करते हैं आई वुड रादर गो आउट दैन स्टे एट होम मैं बाहर जाना पसंद करूंगा घर पे बैठने से अच्छा ठीक है सही मीनिंग निकल रहा है कि भाई जो भी पर्सन है वो घर पे बैठने से ज्यादा प्रेफर कर रहा है बाहर जाना ओके ऑल राइट ऑप्शन नंबर डी इज़ परफेक्ट तो यही आपका आंसर होगा टैली कर लेते हैं आई वुड गो राउट स्टे एट होम परफेक्ट डन ऑल राइट नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन आई नॉट ऑन योर डो बट यू डिड आंसर मैंने तुम्हारे दरवाजे पे खटखटाया पर तुमने मुझे कोई आंसर यानी कि तुमने कोई नहीं खोला या कुछ बताया ही नहीं you did not answer. है, I knocked, मैंने किया था ऑन योर डोर तुम्हारे दरवाजे पे कॉमा बट पर डिड नॉट यू डिड नॉट सही है क्या बिल्कुल सही है आंसर बिल्कुल सही है तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है यही शायद आंसर है बाकी भी पढ़ लेते हैं बट यू आई नॉट डिड आंसर डोर ऑन योर बट यू पर तुमने आई नॉट मैंने खटखटाया पर तुमने मैंने खटखटाया ये क्या है या तो तुमने की बात कर लो या खुद की बात कर लो है ना तो ऑप्शन बी गलत है डी डिड एन आंसर आंसर नहीं दिया था आई नॉक डोर मैंने दरवाजे पर खटखटाया था बट यू ऑन योर बट तुमने अपने वॉट तुमने अपने तो ये भी इनकम्प्लीट है यानी आंसर इज ऑप्शन नंबर ए फटाफट से डाली करते हैं आई नॉट ऑन योर डोर बट यू डिड आंसर अच्छा सब कुछ परफेक्ट है कुछ भी हॉच पॉच नहीं है और बढ़िया अरेंज है सो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर इजी ऑल राइट सिक्स पे मूव करते हैं सॉ द एयर फेयर आई वॉन्टेड टू गो टू लंडन आई कैंसल द प्लान बट वेन आई ओके सो द एयर फेयर यानी कि जो भी प्लेन टिकट्स हैं उनका प्राइस देखा आई वॉन्टेड टू गो टू लंडन मुझे लंडन जाना था आई कैंसिल प्लान मैंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया था बट वेन आई पर जब मैंने जब मैंने वॉट यहां तक सब बढ़िया मस्त गाड़ी चल रही थी इधर कुछ रुकावट आ गई स्पीड ब्रेकर आया और ये ब्रेक हो गया सेंटेंस वेन आई जब मैंने जब मैंने वॉट नहीं मिल रहा ना आंसर तो ऑप्शन ए गलत है बी की बात करते हैं आई वॉन्टेड टू गो टू लंडन

गो टू लंडन लंडन जाओ बट वेन आई सो द एयर फेयर बट जब मैंने टिकट का प्राइस देखा आई वॉन्टेड टू मुझे करना था आई कैंसिल द प्लान मैंने प्लान कैंसिल कर दिया क्या करना था नहीं पता तो ऑप्शन सी गलत है डी की बात करते हैं द प्लान आई वॉन्टेड टू जो प्लान मुझे करना था बट पर वेन आई गो टू लंडन जब मैं जाऊंगा लंडन सॉ द एयर फेयर देखा प्लेन टिकट्स का प्राइस आई कैंसिल मैंने कैंसिल कर दिया सब चीजें बहुत छोटी छोटी हैं मतलब पूरा किया ही नहीं है द प्लान जो मुझे करना था क्या करना था नहीं पता पर फिर मैं लंडन जाऊंगा like, तो क्या नहीं पता सौ द प्लेन टिकट्स का प्राइस देखा था आई कैंसिल मैंने कैंसिल कर दिया अभी सब कुछ हॉच पॉच हो गया है ना तो ये भी गड़बड़ है यानी एक ही आंसर है जो हमको मिल चुका था ऑप्शन नंबर बी आई वॉन्टेड लंडन बट वेन आई सॉ द आई कैंसिल द प्लान क्लियर ओके अब आते हैं सेवेंथ क्वेश्चन पे मंडे मॉर्निंग आई गो टू द जिम एवरी मंडे की सुबह मैं जिम जाता हूं हमेशा हमेशा मैं जिम जाता हूं ऐसे करके कुछ होता है समझ भी आता से मंडे मॉर्निंग आई गो टू जिम एवरी नहीं क्लियर है तो ऑप्शन ए हटाओ आई गो टू द जिम मंडे मॉर्निंग एवरी मैं जिम जाता हूं मंडे मॉर्निंग एवरी मंडे की सुबह हमेशा हमेशा मंडे की सुबह ऐसे कुछ होता तो उल्टा है तो हटाओ भी I go to the gym every Monday morning. अच्छा मैं जिम जाता हूँ हर मंडे की मॉर्निंग को यानी एवरी मंडे मैं जिम जाता हूँ सही मीनिंग निकल रहा है हाँ बिल्कुल रख लो इसको नेक्स्ट मंडे मॉर्निंग मंडे की सुबह जिम एवरी जिम हर आई गो टू द मैं जाता हूँ जाता कहाँ हूँ नहीं पता तो ऑप्शन डी हटा यानी ऑप्शन सी टैली करते हैं आई गो टू द जिम एवरी मंडे मॉर्निंग सब परफेक्ट है ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर

I go always मैं जाता हूं हमेशा out of to the market बाहर मार्केट की तरफ good clothes अच्छे कपड़े कुछ भी है ना तो ऑप्शन भी गड़बड़ है वेन एवर आई गो टू द मार्केट मैं जब भी मार्केट जाता हूँ दे आर ऑलवेज वो हमेशा आउट ऑफ गुड क्लोथ अच्छा जब भी मैं मार्केट जाता हूँ उनके पास हमेशा अच्छे कपड़ों की कमी रहती है यानी हमेशा अच्छे कपड़े बिक गए होते हैं बिल्कुल सही है बिल्कुल सही निकल रहा है। मार्केट दे आर ऑलवेज आउट ऑफ गुड एवरीथिंग इज परफेक्ट डी भी एनालाइज करते हैं दे आर वेन एवर आई गो टू मार्केट ऑलवेज आउट ऑफ गुड क्लोथ भाई वो हमेशा जब भी मैं जाता हूं मार्केट आउट ऑफ होते हैं गुड क्लोथ भाई दे आर वेन एवर आई गो टू क्यों बोल रहे हो आप पहले अपनी बात कंप्लीट करो फिर दूसरे सब्जेक्ट को लेकर आओ तो ये बहुत ज्यादा हॉचपॉच है ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट है तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इजी ओके नेक्स्ट आते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे ही डज नॉट नो हाउ टू ऑपरेट अ मशीन नेवरदलेस ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू लर्न उसको नहीं पता है ही डज नॉट नो हाउ टू ऑपरेट अ मशीन कि एक मशीन कैसे ऑपरेट करते हैं लेस ही मतलब ये सारी बातों को साइड में रखो फिर भी कम से कम वो अपना बेस्ट कोशिश कर रहा है देने की ट्राई कर रहा है कि वो अपना बेस्ट करे ताकि वो सीख जाए मशीन को ऑपरेट करना मेरे को तो सारे मीनिंग सही मिल रहा है।, है ना कि उसको क्या नहीं पता मशीन कैसे ऑपरेट करते हैं फिर भी ठीक है ये सब चीजों को छोड़ो नेवर वो अपना ट्राई कर रहा है बेस्ट ट्राई कर रहा है सीखने के लिए हाँ ठीक है परफेक्ट चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑपरेट अ मशीन मशीन ऑपरेट करो nevertheless पर ठीक है ये सब जाने दो he is he does not he is he does not क्या होता है तो इनकंप्लीट है हटाओ सी ट्राइंग हिज वो अपनी कोशिश कर रहा है ही does not know उसको नहीं पता है हाउ टू ऑपरेट अ मशीन वो अपनी ट्राइंग हिज वो अपनी कोशिश नहीं पता उसको नहीं पता हाउ टू ऑपरेट अ मशीन नेवरtheless ही इज बेस्ट टू लर्न उसको बेस्ट है टू लर्न नहीं, नहीं 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 बहुत अजीब हो रहा है तो ऑप्शन सी हटाओ डी की बात करते हैं नेवरtheless जाने दो ये सब कुछ ही इज ही डज नॉट वही चीज हो गई ही इज ही डॉट टू गड़बड़ है ही डज नॉट नो हाउ टू ऑपरेट अशीन नेवर दस हीज बेस्ट टू लर्न परफेक्ट मिल गया आपको आंसर तो ये नेवर द लेस वाले नंदे वाले, बहुत अच्छे लगते हैं सेंटेंसेस अच्छा लगता है बोलने में सो so डेफिनेटली इनको और सेंटेंसेस पढ़ो प्रैक्टिस करो क्लियर ओके okay, चलो अब आते हैं टेंथ क्वेश्चन पे ओके okay, सो so आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए है क्लियर था टेंथ क्वेश्चन की बात करते हैं इज वेरी ओल्ड बहुत पुराना है ऑल दो माई कार फिर भी मेरी कार इट स्टिल रन वेरी वेल बहुत अच्छे से चलती है एक मिनट क्या पुराना है पता नहीं फिर भी मेरी कार फिर भी क्यों बोल रहे हो स्टार्टिंग में कुछ तो बताओ तो ऑप्शन ए गलत है रन वेरी वेल बहुत अच्छे से चलती है ऑल फिर भी मेरी कार बहुत पुरानी है इज वेरी ओल्ड इट स्टिल अभी भी अभी भी क्या इनकम्प्लीट ऑल दो माई कार इज वेरी ओल्ड मेरी कार भले ही बहुत पुरानी है इट स्टिल फिर भी रन वेरी वेल बहुत अच्छी चलती हाँ ये हुई ना बात कि भले ही मेरी कार बहुत पुरानी है बट फिर भी वो अभी भी अच्छी चलती है यानी गाड़ी मस्त है ठीक है तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है डी की बात करते हैं ऑल दो माई कार रन वेरी वेल भले ही मेरी कार बहुत अच्छे से चलती है इज वेरी ओल्ड बहुत पुरानी है अभी भी इट्स स्टिल वॉट इट स्टिल तो इनकम्प्लीट ठीक है टैली करते हैं Although my car is very old, it still runs very well. Perfect. तो so, आपको आंसर मिल गया है ऑप्शन नंबर सी क्लियर सो इस तरीके से ऑल दो ये बड़े अच्छे लगते हैं वर्ड्स. सो so, इनके सेंटेंसेस पढ़ो और यूज करो बहुत मजा आएगा क्लियर और right, चलो अब नेक्स्ट मूव करेंगे किस क्वेश्चन पे इलेवेंथ क्वेश्चन पे सो ऑप्शन ए ऑफ इलेवेंथ क्वेश्चन इज आई वुड फिनिश आई प्रोमिस्ड बाई इवनिंग आई वुड फिनिश ठीक है प्रोमिस किया था शाम तक माई ऑफिस वर्क मेरे ऑफिस का काम पर मैं नहीं अब क्या है ये है ना कभी आप बोल रहे होने प्रोमिस किया था शाम तक मेरे ऑफिस का काम पर मैं नहीं अब ये सारी चीजें जो है वो इनकम्प्लीट है, है ना तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा ऑप्शन बी है माई ऑफिस वर्क आई प्रोमिस्ड बाईवनिंग बट आई आई वुड

नेक्स्ट है शाम तक I promised, मैंने किया था my office work, अपने का काम मैं करूंगा, but I couldn't, मैं काम पर नहीं कर पाया तो यहाँ पे बोला है कि शाम तक किया था मेरे का काम यहीं पे कुछ ब्रेकेज लग रहा है like, लाइक कुछ डिफिकल्टी है इसको ट्रांसलेट uh, sort of करने में प्रॉपरली इसीलिए मीनिंगफुल नहीं है तो आंसर क्या है भाई ऑप्शन नंबर सी अब टैली कर लेते हैं तो आपको दिया हुआ है आई प्रोमिस्ड फिर है आई वु फिनिश माई ऑफिस वर्क सबसे स्टार्टिंग में दिया हुआ है बाईनिंग कॉमा बट आई गुड इट परफेक्ट तो कुछ भी गड़बड़ी है एवरी थिंग इज परफेक्ट क्लियर सो आंसर को जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी चलिए ट्वेल्थ के ऑप्शन को पढ़ते हैं अग्री टू सेंक्शन डू यू अ लोन थिंक दे वुड इफ आई राइट दैम अ मेल क्या दिया हुआ है अग्री टू सेंक्शन मतलब क्या मान जाएंगे सैंक्शन करना मतलब जैसे लोन सैंक्शन होता है कि लोन पास कर देना है ना तो अग्री टू सैंक्शन फिर दिया है डू यू लोन डू यू और फिर alone. कुछ भी मीनिंग नहीं निकल रहा है ना तो ऑप्शन नंबर ए गलत है बिकॉज यू अ लोन वॉट लाइक लोन के पहले कुछ बोलना चाहिए था बी है डू यू अग्री क्या तुम अग्री करते हो टू सैंक्शन सैंक्शन करने के लिए थिंक दे वुड अ लोन सोचो वो लोग एक लोन If I write them a mail, अगर मैं उनको मेल लिखूंगा तो पहली बात तुम अग्री करते हो सैक्शन के लिए सोचो वो लोग लोन तो तुमसे पूछा है लेकिन ये यू से पूछा है कि दे की बात हो रही है तो ये बिल्कुल क्लियर नहीं है तो इधर पे भी गड़बड़ है थर्ड पढ़ते हैं इफ आई राइट डू यू थिंक दे वु अग्री टू सैंक्शन लोन देम अ मेल इफ आई राइट क्या तुम्हें तो लगता है अगर मैं लिखूंगा तो वो लोग अग्री करेंगे लोन सैक्शन करने के लिए यहां तक सब ठीक चल रहा था कि हाँ ठीक है कुछ मीनिंग मिल रहा है मिल रहा है मिल रहा है बट फिर एकदम से देम अ मेल उनको मेल तो मतलब इनकम्प्लीट है तो एलिमिनेट कर दो डी डू यू थिंक दे वुड टू सैंक्शन लोन इफ आई राइट मेल तुम्हें क्या लगता है कि क्या वो अग्री करेंगे लोन सैंक्शन करने के लिए अगर मैं उनको एक मेल लिखता हूं तो बिल्कुल सही है कि तुम्हें क्या लगता है वो लोग लोन सैंक्शन uh, करेंगे या अग्री कर जाएंगे लोन सैंक्शन करने के लिए अगर मैं उनको एक मेल लिखता हूं तो ऑप्शन डी में सारी मीनिंग्स मिल रहा है और पार्ट्स भी देख लो एक बार डू यू थिंक दे वुड अग्री टू सैंक्शन अ लोन कॉमा इफ आई राइट डेम अ मेल क्वेश्चन मार्क परफेक्ट तो यहाँ सब कुछ बेस्ट है इवन क्वेश्चन मार्क भी सही प्लेस्ड है बिकॉज स्टार्टिंग देखो डू यू कर रहे हो क्वेश्चन बना रहे हो है ना टेंथ में पढ़ चुके स्ट्रक्चर क्या होते हैं कैसे बनाते हैं क्वेश्चन सो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी हर एस्पेक्ट से बिल्कुल सही है कोई भी एरर इसमें नहीं है क्लियर सो ये हो गया एक मीनिंगफुल ऑप्शन नेक्स्ट है थर्टींथ ऑप्शन वो गिफ्ट लेकर आती है whenever for me. जब भी मेरे लिए, मेरी आंटी आती है टू आर्स और फिर मेरे दोस्त मतलब यहाँ पे कुछ कुछ मीनिंग मिला आपको नहीं मिला है ना तो ये मीनिंगलेस है नेक्स्ट है वेन एवर माई आंट कम्स टू आर्स जब भी, भी मेरी आंटी हमारे यहाँ आती है शी ब्रिंग्स गिफ्ट वो गिफ्ट लेकर आती हैं वो उपहार प्रेजेंस लेकर आती हैं फॉर मी मेरे लिए और मेरे दोस्तों के लिए वाह कितनी अच्छी आंटी है ना तो जब भी, भी मेरी आंटी हमारे यहाँ आती हैं तो जब भी इज वेन एवर तो वो क्या करती हैं मेरे लिए और मेरे दोस्तों के लिए गिफ्ट्स लाती हैं तो यहाँ सब कुछ परफेक्ट मीनिंग मिल रहा है बिल्कुल सही मीनिंग मिल रहा है वेन एवर है माय आंट है कम्स कहाँ पर हमारे यहाँ कम्स क्यों दिया है भाई क्योंकि आंट जो है वो सिंगुलर है एक आंटी की बात हो रही है तो यहाँ वर् ई एस वाला लगा दिया लाइक एस वाला सॉरी फिर यहाँ शी ब्रिंग्स क्यों किया ब्रिंग क्यों नहीं किया बिकॉज अगैन ये सिंगुलर सब्जेक्ट है ठीक है और गिव्स फॉर मी एंड माय फ्रेंड्स परफेक्ट एंड भी सही है बिल्कुल सही कनेक्ट किया है इवन वेन का पोजीशन भी सही है और कॉमा का पोजीशन भी सही है चाहिए तो फटाफट से डाली कर लेते हैं वेन एवर माई आंट फिर दिया हुआ है कम्स टू अस कॉमा फिर है शी ब्रिंग्स गिव्स फॉर मी एंड माई फ्रेंड्स परफेक्ट तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है एवरीथिंग इज अकॉर्डिंगली व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड या दिस इज परफेक्ट इन मीनिंग इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होना चाहिए थर्ड पढ़ते एंड माय फ्रेंड्स व्हेन एवर माय आंट शी ब्रिंग्स गिफ्ट्स कम्स टू अस फॉर मी और मेरे दोस्त जब भी मेरी आंटी आती हैं गिफ्ट लेकर आती हैं हमारे यहाँ आती हैं और मेरे लिए मतलब कुछ भी हो रहा है है ना तो ऑप्शन नंबर सी भी गड़बड़ है डी की बात करते हैं माई आंट वेन एवर शी ब्रिंग्स गिफ्ट कम्स टू आस फॉर मी एंड माई फ्रेंड्स मेरी आंटी जब भी, भी वो गिफ्ट लेकर आती है हमारे आती हैं मेरे लिए और मेरे दोस्तों के लिए नहीं आ रहा है ऐसे जब भी वो आती हैं तो गिफ्ट्स लेकर आती है ज्यादा बेटर लग रहा है है ना तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें यस ऑप्शन नंबर डी में कुछ गड़बड़ है और ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर इजी ऑल राइट नेक्स्ट मूव करते हैं फोर्टीन पे इन एडिशन आई कैन नॉट कम देर इज सम पास आई हैव टू आई नीड टू कलेक्ट आफ्टर वर्क विध यू गो टू वर्क क्या गलती करी अभी इधर क्वेश्चन पढ़ लिया नहीं पढ़ना है क्योंकि एमसी क्यूज है ठीक है और पढ़ के कुछ मिला क्या नहीं बट ये क्वेश्चन पढ़कर शायद थोड़ी नर्वसनेस हो जाए कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है इतने सारे पार्ट जम्बल्ड हैं बहुत ज्यादा मिस हो जाएगा बट ऐसा नहीं है ऑप्शन पढ़ते हैं खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा ऑप्शन ए

गड़बड़ है बट यस yes, शायद थोड़ा बहुत मीनिंग मिल रहा है कि हम मैं नहीं आ सकता हूँ या फिर मुझे काम पे जाना है और मुझे काम के बाद एक पार्सल कलेक्ट करना है ये तो मीनिंग मिल रहा है है ना इतना तो कॉमन सेंस है हमें कि हम मीनिंग यहाँ से डिड्यूस कर पा रहे है। हैं अब सेकेंड पढ़ते हैं आई हैव टू गो टू वर्क मुझे काम पे जाना है आई के नॉट कम विथ यू मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता हूँ इन एडिशन इसके अलावा एक और बात है आई नीड टू कलेक्ट आफ्टर वर्क देर इज सम पार्सल आई नीड टू कलेक्ट सम पार्सल आफ्टर वर्क कुछ होना चाहिए था सब बढ़िया चल रहा था गाड़ी बहुत स्मूथ चल रही थी यहां पर आ गए स्पीड ब्रेकर्स कुछ तो गड़बड़ है तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा थर्ड पढ़ते हैं आई के नॉट कम विथ यू मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता हूँ आई है क्योंकि मुझे काम पे जाना है हाँ बिल्कुल परफेक्ट ओके okay. इन एडिशन इसके अलावा और बात है देर इज समार्सल कोई पार्सल है आई नीड टू कलेक्ट आफ्टर वर्क मुझे काम के बाद उसे कलेक्ट करना है

Even though I had a good time with I was my family very busy yesterday. Even though भले ही I had a good time मैंने बहुत अच्छा मेरा समय बीता with, with whom, नहीं पता। फिर दिया I was my family मैं अपनी family था very busy yesterday कल बीते हुए कल में बहुत busy था तो सारी चीजें बहुत ज्यादा हॉच पौच है कोई मीनिंग नहीं मिल रहा है हटा दो Second I had a good time with my family मैंने एक बहुत अच्छा समय स्पेंड किया अपनी फैमिली के साथ इवन दो भले ही आई वॉज वेरी बिजी येस्ट डे भली मैं बिजी था बहुत ज़्यादा बिजी था बट फिर भी मैंने अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड किया ग्रेट सारे मीनिंग सही मिल रहे हैं तो ये बिल्कुल सही है थर्ड हैं आई हैड हाई फैमिली मतलब पढ़ते से ही आ गया मतलब एकदम से आवर ऐसे हो गई जबान है ना सो आई हैड अई फैमिली आई हैड माई फैमिली हो सकता था तो यहीं पे इसको हटा दो क्योंकि बिगनिंग में एरर है माय फैमिली अगेन गुड टाइम विथ व्हाट नहीं पता लिख दिया तो ये भी एलिमिनेट कर दो एक ही है, है टैली कर लेते हैं यू हैव आईड माई फैम इवन दो आई वेरी बिजी एंड देन यू हैव ये तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर इट्स दी ओनली करेक्ट आंसर डन

ऑल दो रेस ही रेस ही अच्छा भले ही रोहन आ, मोहन ने बहुत तेज दौड़ लगाई ही लॉस्ट द रेस परफेक्ट अच्छा ऑल दो मोहन रन वेरी फास्ट भले ही मोहन बहुत तेज दौड़ा था ही लॉस्ट द रेस वो रेस हार गया ठीक है सही लग रहा है बिल्कुल सही है यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर डी सही है ऑल्दो मोहन रैन वेरी फास्ट ही लॉस्ट द रेस परफेक्ट ठीक है सो so, इस तरीके से आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अब नेक्स्ट 17th का ऑप्शन पढ़ते हैं इजीियर टू यूज दिस इज डेफिनेटली रिलायबल एंड इट इज इजीियर टू यूज आसानी से यूज कर सकते हैं दिस इज डेफिनेटली बिल्कुल 100% रिलायबल है एंड इट इज व्हाट तो एंड इट इज

बारे में है लेट्स डू अनालिस बोलोगे कि मैम वॉट द कॉन्टेंट बोला है? नहीं डिटर्मिन वो तो थोड़ा क्लियर होता ये प्रॉपर अरेंजमेंट होता कहीं भी कुछ भी प्लेस नहीं कर सकते हो तो ऑप्शन ए गलत है बी

यही गड़बड़ है इसीलिए सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी सही है फटाफट से टाली करते हैं ऑप्शन नंबर बी बिकॉज इस ही ऑप्शन में सब कुछ प्रॉपरली और डिटेल में और मीनिंग के साथ गिवन है क्लियर ओके okay. अब आते हैं नाइनटीन के ऑप्शन पे द अप्रूवल प्रोसेस इज क्विक एंड यू विल अप्रूव्ड अप्रूवल प्रोसेस बहुत जल्दी मतलब फटाफट से हो जाता है अप्रूवल प्रोसेस में ज्यादा टाइम नहीं लगता एंड यू विल हैव नो प्रॉब्लम्स और तुम्हें कोई प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी गेटिंग अप्रूव्ड मतलब अप्रूव होने के लिए क्विक एंड यू द अप्रूवल प्रोसेस क्विक एंड यू द अप्रूवल प्रोसेस कुछ भी मीनिंग नहीं है सी विल हैव नो प्रॉब्लम्स अप्रूवल क्विक एंड यू गेटिंग अप्रूव्ड प्रोसेस

Will process is quick. Will process is quick. यहां पे ऐसा होता तो क्वेश्चन टाइप का साउंड करता है यहां कोई क्वेश्चन मार्क है है ही नहीं तो ये भी गड़बड़ यानी सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए ही था जिसमें सबको सही मीनिंग है कि अप्रूवल प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता है एंड कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी अप्रूव होने में आप फटाफट से इसको टैली करते हैं द अप्रूवल प्रोसेस इज क्विक एंड यू विल हैव नो प्रॉब्लम गेटिंग अप्रूव क्लियर सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है अब आते हैं 20th पे हाउएवर द क्लास आई वाज लेट हैड नॉट स्टार्टेड व्हाट हैड नॉट स्टार्टेड हाउएवर व्हाट द क्लास आई वाज लेट द क्लास और आई वाज किसकी बात करो? एक जन की बात करना है ना तो ऑप्शन ए गड़बड़ है बी द क्लास आई वाज लेट द क्लास आई वाज लेट हाउएवर हैड नॉट स्टार्टेड व्हाट हैड नॉट स्टार्टेड है ना अगेन इसका आंसर नहीं मिल रहा है तो ऑप्शन बी भी इनकंप्लीट है सी आई वाज लेट मैं लेट हो गया था हाउएवर द क्लास हैड नॉट स्टार्टेड अच्छा मैं लेट था बट क्लास स्टार्ट नहीं हुई थी बिल्कुल सही मीनिंग मिल रहा है कि क्लास स्टार्ट होने की बात हो रही है और लेट कौन है आई क्लियर नेक्स्ट आई वाज लेट ठीक है मैं लेट था द क्लास हैड नॉट हाउएवर स्टार्टेड हाउ एवर द क्लास हैड नॉट स्टार्टेड है ना तो ऑप्शन नंबर बी गड़बड़ है यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन अब टैली करते हैं आई वॉज लेट हाउ एवर द क्लास हैड नॉट और स्टार्टेड ग्रेट तो सब कुछ प्रॉपर है कंप्लीट है और मीनिंगफुल है इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इजी ओके अब आते हैं नेक्स्ट जो लास्ट टेन क्वेश्चन हैं ट्वेंटी वन का ऑप्शन कहता है आर टीम ट्राइड हार्ड बट वी लॉस्ट द गेम हमारी टीम ने बहुत कोशिश की आर टीम ट्राइड हार्ड बट वी लॉस्ट द गेम बट हम गेम हार गए नेक्स्ट बट वी लॉस्ट आर टीम ट्राइड हार्ड द गेम बट वी लॉस्ट और फिर दिया हुआ है आर टीम ट्राइड हार्ड बट वी लॉस्ट नहीं पहले बताओ टीम ने बहुत ट्राई किया पर हम हार गए तो ऑप्शन नंबर बी गलत है सी इज हार्ड ट्राइड आर टीम बट वी लॉस्ट द गेम बहुत हार्ड

क्लास नाओ और वेट फॉर शुड वी स्टार्ट एवरी वॉन्ट टू गेट हेयर क्लास नाओ क्लास अभी या फिर हमें वेट करना चाहिए स्टार्ट एवरी वन टू गेट हेयर कुछ भी अजीब क्लास नाओ के आगे कुछ बोल दिया एकदम से दूसरा सेंटेंस चालू हो गया तो ऑप्शन ही गलत है बी पढ़ते हैं शुड वी स्टार्ट अ क्लास नाओ या शुड वी स्टार्ट क्लास नाव क्या अभी हमें क्लास स्टार्ट करनी चाहिए फॉर वन टू गेट हेयर फिर सबके लिए वेट करें कि सब आ जाए फिर स्टार्ट करें हाँ ठीक है सही मीनिंग मिल रहा है क्वेश्चन मार्क भी है और क्वेश्चन का फील भी आ रहा है ऑप्शन बिल्कुल स्टार्टिंग में शुड यूज किया है तो ठीक है इसको रखते हैं साइड में थर्ड और वेट फॉर शुड वी एवरी वन भाई यहाँ क्वेश्चन मार्क है और आप यहाँ कुछ क्वेश्चन का मीनिंग भी नहीं दे रहे हो यहाँ भी कुछ क्वेश्चन का मीनिंग दे रहे हो इसी से एलिमिनेट कर दो नेक्स्ट एवरी वन टू शुड वी स्टार्ट एवरी वन टू शुड क्या है तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है यानी बिल्कुल सही है ऑप्शन बी शुड वी स्टार्ट क्लास नाउ क्या अभी हम क्लास स्टार्ट करें या सबके आ जाने का वेट करें ठीक है सो so, यहाँ पर देख लो वापस से टाली कर लेते हैं शुड वी स्टार्ट क्लास नाउ फिर है और वेट फॉर एवरी वन टू गेट हेयर परफेक्ट क्लियर सो इस तरीके से आपका ऑप्शन बी जो है यही सही आंसर होगा ट्वेंटी थर्ड मैं बहुत अच्छी जगह ढूंढ सकता हूं टू मॉल्स आर शॉप ये क्या होता है टू मॉल्स आर शॉप है ना तो ऑप्शन ए गलत है बी मॉल्स आर ग्रेट प्लेसिस टू शॉप अच्छा मॉल्स अच्छी जगह होती हैं शॉपिंग करने के लिए आई कैन फाइंड एवरीथिंग आई नीड अंडर वन रूफ क्योंकि सब कुछ जो भी मुझे खरीदना है वो एक ही जगह पे मिल जाता है एक ही छत के नीचे यानी मॉल में सारी चीजें सारी टाइप की चीजें अवेलेबल होती हैं, सो so कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती ठीक है मीनिंग सही मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी टिक कर देते हैं आई कैन फाइंड मॉल्स आर शॉप मैं पता लगा सकता हूँ कि मॉल्स शॉप है ग्रेट प्लेसेस टू एवरीथिंग वॉट इज ग्रेट प्लेसेज टू एवरीथिंग पहली बात तो यही गलत था कि मॉल्स आर शॉप देर आर शॉप इन द मॉल फिर भी थोड़ा सही साउंड करता है ना चलो डी एवरीथिंग मॉल्स आर आई केन फाइन ग्रेट प्लेस टू शॉप आई नीड रूफ एवरीथिंग मॉल्स आर फिर दे आर आई केन फाइन तो एकदम से कुछ नई कहानी चालू हो गई और इसीलिए नई कहानी रिजेक्ट होती है बिकॉज पहली वाली कहानी अधूरी रह गई है ना सो so यह अधूरी कहानी है इसीलिए अधूरा सेंटेंस है अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर टाली करना है तो ऑप्शन नंबर बी के सारे पार्ट टाली करते हैं देखो मॉल्स आर ग्रेट प्लेसेस टू शॉप तो यहाँ पर कितना हमने देख लिया है आर शॉप फिर ग्रेट प्लेसेस टू देन यू हैव एवरीथिंग आई नीड अंडर वन रू एवरीथिंग आई नीड अंडर वन रूफ परफेक्ट इसी तरीके से आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है कि मॉल्स ग्रेट प्लेसेस हैं टू शॉप बिकॉज या फिर इससे पता चल रहा है आई कैन फाइंड एवरीथिंग आई नीड अंडर वन रूफ क्लियर ऑलराइड चलो अब मूव करते हैं ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन पे ट्वेंटी फोर्थ का ऑप्शन कह रहा है ही रैन आउट सो ही ऑफ मनी हैड टू स्टॉप प्लेइंग कार्ड्स ही रैन आउट ऑफ है वो नहीं पता चल रहा है इसीलिए ऑप्शन नंबर ए गलत है ही आउट यानी कि खत्म हो गया कुछ क्या खत्म खत्म हुआ है वो देखते हैं किसी सेंटेंस में पता चल जाएगा फिर अच्छा पैसे हो गए ये money, उसके पैसे हो थे सो ही है इसीलिए उसने कार्ड्स प्ले करना या गैम्बलिंग करना बंद कर दिया बिकॉज उसके पास पैसे नहीं थे तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है बिकॉज आपको यहाँ पर रीजन मिल गया तभी सो का यूज करके आप यहाँ एक्शन बता रहे हो क्लियर स्टॉप प्लेइंग कार्ड ही रन आउट ऑफ मनी सो ही ऐसा लग रहा है कि आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो काश यहाँ एक्सप्लेमेशन मार्क होता तो भी हम थोड़ा कंसिडर करते फिर ही रन आउट ऑफ मनी उसके पैसे खत्म हो गए सो ही हैड हैड टू टू व्हाट सो ही है ना तो ये इनकम्प्लीट भी है इसीलिए सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी है जो सही है फटाफट टैली करते हैं ही रन आउट ऑफ मनी सो ही है स्टॉप प्लेइंग cards. Perfect. सब कुछ है कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है या फिर कुछ भी ऐसा नहीं है जो इंक्लूड नहीं किया है क्वेश्चन से इसीलिए फोर्थ का आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी डन? ओके ट्वेंटी फिफ्थ की बात करते हैं यू कैन टेक अ ट्रेन और टेक अ बस तुम ट्रेन ले सकते हो या बस ले सकते हो खरीदने की बात नहीं मतलब तो कहीं जाना है तो ट्रेन से भी जा सकते हो बस से भी जा सकते हो ठीक है अ ट्रेन यू कैन टेक और अ बस टेक और ट्रेन यू कैन टेक फिर बोल रहे हो और अ बस टेक वॉट बस टेक आगे का कुछ भी नहीं पता चल रहा तो ऑप्शन बी गलत है अब बस यू कैन टेक अ ट्रेन और टेक अब बस यू कैन टेक और फिर दिया है टेक अच्छा अ ट्रेन फिर दिया है और टेक तो कुछ भी है अगेन इनकम्लीट यू कैन टेक अ अ बस टेक ट्रेन और और व्हाट यू कैन टेक अ बस कॉमा ट्रेन ऐसे करके फिर और आगे होता है ऐसे भी होते हैं सेंटेंसेस बट यहां और के बाद क्या इनकम्पलीट है इसीलिए सीधे सीधे ऑप्शन ए ही था जो बिल्कुल सही है बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है फटाफट से टैली भी कर लोगे यू कैन टेक ट्रेन और टेक अब मूव करते हैं समझ आया पूरे लोगों ने बोट्स का इस्तेमाल किया अच्छा ठीक है बट वॉज फ्लडेड वॉट वॉज फ्लडेड क्लियर नहीं है इसीलिए मतलब बाढ़ आ गई थी है ना द एंटायर पीपल यूज टाउन वॉज फ्लडेड बोट एंटायर पीपल यूज टाउन टाउन को क्यों यूज करेगा कोई है ना तो ये गलत है द एंटायर टाउन वॉज फ्लडेड पूरे टाउन में फ्लड आ गए थे बाढ़ आ गई थी पीपल यूज बोट्स लोग जो है वो नाव या बोट्स का इस्तेमाल कर रहे थे बिल्कुल सही है तो इसीलिए ये तो गड़बड़ है सॉरी इसको रॉन्ग करना मैं भूल गई थी सो इट इज नॉट राइट इट्स रॉन्ग बट ऑप्शन नंबर सी सही लग रहा है डी की बात करते हैं पीपल यूज एंटायर वॉज फ्लडेड टाउन इज टाउन पहली बार पीपल यूज वॉट द एंटायर वो भी नहीं दिया तो ऑप्शन डी भी गड़बड़ है यानी बड़ा आसान है ऑप्शन नंबर सी है जिसमें सारे जो पार्ट्स हैं वो प्रॉपरली अरेंज हैं प्रॉपर मीनिंगफुल सेंटेंस है तो बराबर से टैली करते हैं द एंटायर टाउन वॉज फ्लडेड पीपल यूज बोट्स बिल्कुल परफेक्ट है ना तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही आंसर हो जाता है अब मूव करते हैं ट्वेंटी जितने भी भाई हैं वो डॉक्टर्स हैं बट मैं एक एक्टर हूं ठीक है कोई यहां पे बता रहा है कि भाई जितने भी उनके भाई हैं वो सब डॉक्टर बने बट वो क्या बने एक्टर एक बने ओके okay, सब सही लग रहा है बिल्कुल सही मीनिंग मिल रहा है तो इसको रखते हैं बी पढ़ते हैं वेर एज आई एम ऑल ऑफ आर डॉक्टर्स आई एम ऑल ऑफ आर डॉक्टर्स पहली बात तो आई एम

माई ब्रादर्स आर डॉक्टर्स फिर है वेराज आई एम एंड एक्टर सब कुछ प्रॉपर है ठीक है so, सो इसीलिए आपका जो आंसर होगा वो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर ए है बिकॉज इट्स दी वन जिसमें सारी मीडिंग करेक्टली प्लेस्ड है क्लियर ऑल राइट ट्वेंटी एथ की बात करते हैं सेंड द इन्विटेशन आई वॉन्ट टू बट आई डोंट टू हिम हैव एड्रेस एक मिनट सेंड द इन इन्विटेशन भेजना है आई वॉन्ट टू बट मुझे भेजना है मैं चाहता हूँ पर आई डोंट टू हिम वॉट इज डोंट टू हिम कुछ भी नहीं होता ऐसा तो ऑप्शन नहीं हटा दो आई वॉन्ट टू सेंड द इन्विटेशन टू हिम मुझे इन्विटेशन उसको भेजना है बट आई डोंट हैविज एड्रेस बट मेरे पास उसका एड्रेस ही नहीं है तो कैसे इन्विटेशन भेजूंगा है ना तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है बट आई डोंट आई वॉन्ट टू टू हिम आई वॉन्ट टू टू हिम कुछ भी गड़बड़ है तो हटा दो इन्विटेशन टू हिम आई वॉन्ट टू सेंड द बट वॉट इज द बट आई डोंट है ना तो ये भी गड़बड़ है यानी सीधे सीधे ऑप्शन नंबर ही है जो हमको सही दिख रहा है बाकी तो सब में गड़बड़ यू आप पकड़ लोगे है ना अब फटाफट से टाली करते हैं आई वॉन्ट टू सेंड द इन्विटेशन टू हिम बट आई डोंट हैव हिज एड्रेस परफेक्ट बाकी सब में कुछ ना कुछ एरर और ये ढूंढने में स्टार्टिंग में थोड़ा आपको लग सकता है कम है है अब स्पीड अच्छी हो आपकी अच्छी गई होगी तो का आंसर मिल चुका है हमको which is option number B. अब आते हैं हैं पे हमने किया हम पहले बताते हैं कि इसके बावजूद हमने ये किया तो ये जो है थोड़ा गड़बड़ लग रहा है the rain, despite we enjoyed the festival. Despite what? अगेन क्लियर नहीं है इसके बावजूद तो वो भी इनकम्प्लीट है डिस्पाइट द रेन बारिश होने के बावजूद तो डिस्पाइट द रेन वी इन्जॉयड द फेस्टिवल परफेक्ट भली बारिश हुई है बट फिर भी हमने जो त्यौहार है फेस्टिवल है उसको बहुत अच्छे से इंजॉय किया तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है द फेस्टिवल डिस्पाइट द रेन वी इन्जॉयड ये प्लेसमेंट गलत है कि फेस्टिवल वी फेस्टिवल, है है ना तो ऑप्शन नंबर सी जो है, वो सही है और फटाफट से टाली करते हैं परफेक्ट क्लियर right. इसकी जगह की जगह एक की की ऑफ़ भी बात होती है तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हो डन ओके आ जाते हैं लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन पे शी डिडंट गेट द जॉब इवन दो क्वालिफिकेशंस शी हैड यानी ये बोलना चाह रहे हैं पहले ऑप्शन से मीनिंग क्लियर है कि उसको जॉब नहीं मिली भले उसके पास सारी नेसेसरी सारी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन थी बट ये प्रॉपरली प्लेस्ड नहीं है ऑल द नेसेसरी क्वालिफिकेशन शी हैड नहीं ऐसे होना चाहिए तो थोड़ा अलग कैसे अभी ढूंढते हैं क्वालिफिकेशन शी डिडेंट गेट द जॉब क्वालिफिकेशन फिर शी डिडेंट गेट द जॉब

फेक्ट तो आपके लिए जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है और इस तरीके से हम आ चुके हैं थर्टी क्वेश्चन के डिस्कशन के एंड में आई होप यू अंडरस्टूड ईच ऑफ क्वेश्चन एंड देर इज नो डाउट लेफ्ट कि भाई बहुत ही ईजिएस्ट लाइक सबसे ईजिएस्ट टॉपिक अगर है तो वो जम्बल वर्ड्स है सो so, डेफिनेटली बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है बट अपना टाइम वेस्ट नहीं करना एग्जाम्स में इन क्वेश्चन पे आपको फटाफट से अपना दिमाग लगाना है और सही सही आंसर टिक करके आना है बट ये कब होगा मुमकिन जब आप जितनी कोशिश कर सके उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो क्लियर ऑल राइट सो इस तरीके से वी आर डन विद द डिस्कशन ऑफ द टॉपिक बट येस आप सबको ये पता है कि मैग्नेट ड्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहां आपको जितने भी सब्जेक्ट्स हैं किंड से लेके क्लास ट्वेल्व

पास अवेलेबल है मैटर इवन हर एक चीज आपके लिए इजी हो ढूंढना इसीलिए हर एक चीज वेबसाइट पे भी प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज्ड मिलती है आपको और यही चीज अभी हम डिस्कस करेंगे सो so, आपके पास सारे बेनिफिट्स हैं मैग्नेट ड्रीम्स पे पढ़ने के लिए सो डेफिनेटली आप ये चांस मत खो हर एक वीडियो को अच्छे से देखो ताकि आपकी प्रेपरेशन बहुत जोरों शोरों से हो अब इसी तरीके से वेबसाइट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे आपने अभी ये वीडियो देखा वैसे ही अगर आप कोई भी वीडियो जो है उसे एक प्रॉपर वे में लाइक एक प्रॉपर अरेंज वे में देखना चाहते हो साथ ही साथ आप चाहते हो कि मुझे ज्यादा टाइम ना इन्वेस्ट करना पड़े लाइक फटाफट से मैं सर्च करूं या फटाफट से मैं एक ऑर्डर देखू मुझे वीडियो मिल जाए देन डेफिनेटली आपको वेबसाइट विजिट करने की बहुत जरूरत है करो क्या जाओ गूगल पे टाइप करो मैग्नेट जैसी वेबसाइट ओपन करते हो ये पेज डिस्प्ले होता है अब इस पेज पे आपके पास सारे ऑप्शन होते हैं जैसे अभी हम ओलंपियाड की बात करेंगे कैसे आपको पहुंचना है ओलंपियाड के वीडियो के लिए बट वैसे ही आप अगर सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं और आपको कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक का वीडियो देखना है प्लीज जाके इस पर क्लिक करना पूरे सब्जेक्ट्स का प्रॉपर अरेंजमेंट मिलेगा सब्जेक्ट पे क्लिक करोगे प्रॉपर टॉपिक्स का अरेंजमेंट मिलेगा और इस तरीके से आप बहुत इजी वे में अपने जो भी रिस्पेक्टिव वीडियो है वहां तक पहुंच जाएंगे जैसे अगर आप पढ़ना चाहते हैं एनटीएससी स्ट सेम स्टेप्स फॉलो करोगे आपके पास एन टी सी के सब्जेक्ट की लिस्ट आ जाएगी ओलम्पियाड एंड इवन डिफरेंट स्टेट बोर्ड जो है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हर एक चीज अवेलेबल है तो प्लीज जाके वेबसाइट विजिट करो क्लिक करो वीडियो देखो तो आपको क्या करना है जैसे एग्जाम्पल देख लो ओलंपियाड का कोई टॉपिक देखना है तो ओलंपियाड पर क्लिक करो उस जो भी आपके ओलम्पियाड के रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं वो सब आप सामने ऐसे डिस्प्ले हो जाएंगे नाइन टेंथ का आई ई ओ नाइन टेंथ मैथमेटिक्स ओलंपियाड यू गेट जी के ओलम्पियाड एंड ऑल्सो यू गेट साइस ओलंपियाड के लिए केमेस्ट्री के वीडियो सो so इस तरीके से आप बस उस पर क्लिक कर दो तो, जिसके भी टॉपिक्स आप देखना चाहते हो सपोज आप पढ़ना चाहते हैं क्लास नाइन्थ IEO का कोई टॉपिक क्लिक करो आपके सामने उसी क्लास से रिलेटेड सेपरेट टॉपिक्स की जो लिस्ट है वो एक प्रॉपर ऑर्डर में मिल जाएगी अब किसी भी टॉपिक पे क्लिक कर दो कुछ सेकेंड्स वीडियो द बेस्ट ऑप्शन टू गो वेबसाइट क्लियर ऑल राइट एंड इसी तरीके से आपको अगर और भी कोई सब्जेक्ट को, uh, पढ़ना है एक्सप्लोर करना है देन क्लिक ऑन द क्रॉस आइकॉन एंड अगेन गेट द लिट्स अब इसी तरीके से फटाफट पड़ से टाइम टेबल यानी कि प्रॉपर स्केड्यूल को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इट इज द की ठीक है और अगर आप रेगुलरली एक प्रॉपर रूटीन के साथ सारे वीडियोस देख के प्रैक्टिस करते हो फॉर शर आपको डिफरेंस मिलेगा ये देखने को मिलेगा आपको कि यस यू हैव इम्प्रूव और वही आपका मंत्र होना चाहिए राइट सो so, आपको क्या करना है एवरी मंडे ट्यूजडे वेंसडे सेट योर रिमाइंडर्स कि ठीक सुबह दस बजे आपको आई ईओ की वीडियो ठीक एक बजे मैथमेटिक्स ओलंपियाड के वीडियोज और ठीक चार बजे आपको मिल जाते हैं नेशनल साइंस ओलंपियाड के वीडियो एंड सात बजे शाम को मिलते हैं जी के ओलंपियाड के वीडियोज सो so, इस तरीके से एक दस बजे से लेकर सात बजे तक प्रॉपर टाइम टेबल सेट है प्लीज अपनी जो प्रेपरेशन है वो इसके अकॉर्डिंग जारी रखो क्लियर ऑल राइट

then take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.